हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज काजल और आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पर। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं सेकंड फेज काउंसलिंग के बारे में। जैसे कि आपको पता होगा कि यूपी डीएलएड एडमिशन 2019 का फर्स्ट फेज का काउंसलिंग हो चुका है और अब सेकंड काउंसलिंग की स्टार्ट होगी 16 अगस्त से। ठीक है, जिनका रैंक 2.5 लाख से ज़्यादा है अब उनको मौका मिलेगा और उनका भले ही मेरिट कम है फिर भी उनको सरकारी कॉलेज और प्राइवेट कॉलेज मिलेगा, ये तो कंफर्म है। तो इस वीडियो में हम यही डिस्कस करने वाले हैं। लेकिन अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि हम यूपी डीएलएड की सारी जानकारी इस चैनल के माध्यम से आपको देते हैं। तो चलिए हम स्टेप बाय स्टेप जान लेते हैं क्या है पूरा प्रोसेस सेकेंड फेज काउंसलिंग को, कि आपको गवर्नमेंट कॉलेज या फिर प्राइवेट कॉलेज कैसे मिल सकता है। क्योंकि आपको पता होगा कि फर्स्ट फेज वालों को बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जिनको डायरेक्ट कॉलेज नहीं मिला क्योंकि जनरल और ओबीसी की सीटें फुल हो गई थी, लेकिन अभी भी सीटें खाली हैं। ठीक है गाइज, तो हम यही डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए जान लेते हैं कि सेकंड फेज की काउंसलिंग कब से स्टार्ट होगी, आपको सरकारी कॉलेज कैसे मिल सकता है, क्या रीज़न है। तो चलिए जान लेते हैं स्टेप बाय स्टेप। तो जैसे कि आप यहाँ देख सकते हो कि काउंसलिंग शेड्यूल नोटिफिकेशन पर मैं आप सभी को दिखाने वाली हूँ कि सेकंड काउंसलिंग का स्टार्ट डेट कब से होगा। तो चलिए हम जान लेते हैं स्टेप बाय स्टेप। तो आपको पता होगा कि फर्स्ट फेज वन का काउंसलिंग हो चुका है और 4 अगस्त था आज और एडमिशन लास्ट डेट आज ही था। ठीक है, तो अगर अभी तक आपने अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड नहीं किया है तो फिर आपको इसके बाद मौका नहीं मिलेगा। लेकिन एक बात और बता दूं कि अगर आपने अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड कर लिया है, ठीक है, अगर आपने अलॉटमेंट लेटर आज डाउनलोड कर लिया है तो अब आप कल भी कॉलेज पर जाकर एडमिशन ले सकते हो, क्योंकि वो एडमिशन ले रहे हैं। ठीक है, आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप किसी कारण कॉलेज पर नहीं आज जा सके हो तो आप कल भी जा सकते हो और मैं एडमिशन ले सकते हो, लेकिन तभी जा सकते हो क्योंकि अगर आपने आज अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड करने का लास्ट डेट था तो अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो फिर आप उसको भूल ही जाइए, तो बेटर है। ठीक है, तो अब हम जान लेते हैं सेकंड फेज की काउंसलिंग कब से स्टार्ट होगी। तो हम नीचे स्क्रॉल करते हैं और यहाँ देखिए कि लिखा है कि अभ्यर्थियों के एक मिनट नीचे करते हैं हम इसको। हाँ, यहाँ देखिए लिखा है अभ्यर्थियों के वर्गवार श्रेणीवार मेरिट के क्रम में राजकीय एवं निजी संस्थानों में यदि सीटें अवशेष रह जाती है। तो जैसे कि आपको पता है कि सीटें बहुत ही खाली है और खाली होने वाली है। ठीक है, तो आप यहाँ देख सकती हो कि तो रिक्त सीटों के सापेक्ष चयन हेतु अभ्यर्थियों से संस्थान का विकल्प लेने एवं अभ्यर्थियों द्वारा दिए गए विकल्प के क्रम में NIC लखनऊ द्वारा संस्थान आवंटित करने हेतु काउंसलिंग के द्वितीय चरण की तिथि है 16 अगस्त से 26 अगस्त के बीच में आप काउंसलिंग करा सकते हो। जिनका रैंक 2.5 लाख से ज़्यादा है वो काउंसलिंग करा सकते हैं। ठीक है, अब एक बात यहाँ और आती है, जिनका फर्स्ट फेज वन में मतलब फेज वन में कोई भी कॉलेज अलॉट नहीं हुआ है, क्या उन्हें दोबारा मौका मिल सकता है सेकेंड फेज में। तो अभी तो ऑफिशियल नोटिफिकेशन में जारी नहीं किया गया है, लेकिन मुझे लगता है कि हाँ उनको मौका दिया जाएगा सेकंड फेज में भी, बट अभी ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं आया है तो हम कैसे कर सकते हैं आपको कि आप भी उसमें मतलब काउंसलिंग करा सकते हो। जैसे ही नोटिफिकेशन जारी होगा हम आपको इन्फॉर्म कर देंगे। ठीक है, तो आप 16 अगस्त से काउंसलिंग करा सकते हो और 26 अगस्त तक काउंसलिंग चलेगा। ठीक है, और इसका भी 3 पार्ट में काउंसलिंग होगा, जैसे कि फर्स्ट मतलब फेज वन में हुआ था 3 पार्ट में डिवाइड हुआ था, इसमें भी वैसे ही होगा 3 पार्ट में डिवाइड होगा। ठीक है, अब हम जान लेते हैं कि आपको सरकारी और प्राइवेट कॉलेज कैसे मिल सकता है। तो चलिए हम दिखा देते हैं कि सीटें कितने खाली हैं और प्राइवेट कॉलेज की कितनी सीटें खाली हैं और गवर्नमेंट कॉलेज की कितनी सीटें खाली हैं। तो चलिए जान लेते हैं, लेट्स सी। आप यहाँ देख सकते हो क्या लिखा है कि पहले चरण का प्रवेश आज से पूरा हो गया। ठीक है, आज 4 अगस्त था और आज ये पेपर में पब्लिश हुआ था कि क्या है पूरा, इसके बारे में क्या हुआ है पूरा प्रोसेस फेज वन में। तो आप यहाँ देख सकते हो क्या लिखा है कि
डीएलएड 2019 के पहले चरण के लिए अभ्यर्थियों को कॉलेज आवंटन का कार्य 31 जुलाई को ही पूरा हो चुका है, ठीक है, और उन्हें 4 अगस्त की शाम 5 बजे तक आवंटित संस्थानों में प्रवेश लेना है। वह समय सीमा रविवार को पूरी हो रही है, जैसे कि आज संडे है तो आज भी कॉलेज ओपन था, ठीक है, और 6 अगस्त से आपका प्रशिक्षण शुरू हो जाएगा। अब देखिए यहाँ से सेकंड काउंसलिंग के बारे में पूरा दिया गया है और आपको ध्यान से देखना है। देखिए क्या लिखा है कि इसके बाद 16 से 31 अगस्त तक खाली सीटों पर दूसरे चरण का कॉलेज आवंटन का प्रवेश होगा। पहले चरण में कॉलेज आवंटन के बाद करीब 90,000 से अधिक सीटें खाली रह गई थी। जैसे कि आपको पहले पता था कि ओनली 90,000 सीटें खाली थी, लेकिन अब देखिए यहाँ क्या लिख रहा है कि 90,000 से अधिक सीटें खाली रह गई थी और अभी प्रवेश पूरा होने के बाद रिक्त सीटों की संख्या बढ़ने की उम्मीद है। तो अब हम बता देते हैं कि देखिए पहले तो ये 90,000 कन्फर्म था कि सीट खाली है, लेकिन अब तो ये भी बताया जा रहा है कि इससे भी ज़्यादा सीटें खाली होने की उम्मीद है। और ऐसा क्यों है तो हम चलिए जान लेते हैं ऐसा क्यों है। क्योंकि आपको पता है कि किसी को गवर्नमेंट कॉलेज तो मिल जा रहा है, ठीक है, अगर किसी को गवर्नमेंट कॉलेज मिल जा रहा है लेकिन बहुत दूर होने के कारण वो उसमें एडमिशन नहीं ले पा रहे हैं, जिसके कारण वो सीट एक खाली हो गई। और दूसरा कारण ये कि अगर किसी को गवर्नमेंट कॉलेज मिल भी जा रहा है तो 10,000 उतना पैसा नहीं है कि कोई जमा करे। अब तीसरा कारण ये है कि वो एडमिशन करवाने जा रहा है और उसका डॉक्यूमेंट सही नहीं है, तो इस वजह से भी उसका सीट खाली रह जा रही है। और चौथा ये कि बहुत सारे स्टूडेंट को मतलब प्राइवेट में पढ़ना है ना कि गवर्नमेंट में, ठीक है, जिनको मान लीजिए पैसे हैं वो तो पढ़ ही रहे हैं, और जिनके पास अगर प्राइवेट भी मिल रहा है और पैसे नहीं है तो वो नहीं पढ़ रहे हैं, जिसके वजह से सीटें खाली रह जाती हैं। उसी की वजह से आपको पता है कि काउंसलिंग हो जाने के बाद भी फर्स्ट फेज सेकेंड फेज हो जाने के बाद भी सीटें खाली रह जाती है, इसलिए क्या होता है कि डायरेक्ट एडमिशन लेते हैं जब सीटें खाली रह जाती हैं, तो इसे ही हम डायरेक्ट एडमिशन करते हैं। क्योंकि आपको पता है जब सीटें फुल हो जाएंगी तो डायरेक्ट एडमिशन कहाँ से होगा, इसलिए जब सीटें खाली रह जाती है तो डायरेक्ट एडमिशन होता है। तो इसलिए हम आपसे कह देते हैं कि सरकारी कॉलेज और प्राइवेट कॉलेज की अभी भी बहुत सारी सीटें खाली हैं और सेकंड काउंसलिंग वालों को मौका मिल सकता है, क्योंकि अगर उनका मेरिट कम भी है तब भी उनको मौका मिल सकता है, ठीक है। तो बस मुझे आप सभी को यही इन्फॉर्मेशन देना था। और डॉक्यूमेंट्स में आप सभी को मैं बता देती हूँ क्या क्या लग रहे हैं। तो डॉक्यूमेंट्स में सिंपली आपको देखिए कि जो आपका मेन आय जाति निवास है ना, वो किसी भी 3 साल का वैलिड नहीं है, वो किसी भी साल का ले ले रहे हैं, ठीक है। और वो कब लगता है, जब आप मान लो कोई भर्ती हो गया उसमें रिसेंट का मांग रहे हैं, लेकिन कॉलेज में एडमिशन मतलब कॉलेज में एडमिशन ले रहे हो तो उसमें कोई भी वैलिड नहीं है कि 3 साल के अंदर होना चाहिए। अगर आपका आय जाति निवास है तो वो चल जा रहा है, ठीक है, और आय तो लग ही नहीं रहा है, जाति और निवास लग रहा है, और शपथ पत्र तो मेन है ये बनवाना पड़ रहा है, फिर 10 फिर इंटर फिर ग्रेजुएशन मार्कशीट, ठीक है, ये आपको लग रहा है, और उसके बाद मेडिकल सर्टिफिकेट ये आपको एडमिशन के बाद भी लग जाएगा, ठीक है, इतना इम्पोर्टेंट नहीं है मेडिकल सर्टिफिकेट। तो बस आप ये सब कुछ तैयार कर लो और 16 अगस्त से आप भी काउंसलिंग करना स्टार्ट कर देना। तो ठीक है गाइज, तो ऐसे ही यूपी डेलेड की सारी जानकारी पाना चाहते हो तो आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, साथ ही बेल आइकन पर क्लिक कर ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। तो मिलते हैं एक नए अपडेट के साथ, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड टेक केयर एंड सी यू अगेन।